हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज कौन सी डेट? आज मंडे है। और सिया चली गई है स्कूल। अभी बज रहा है जस्ट बराबर 8 बज रहा है। है 8। तो यहाँ तैयारी हो रही है उबले हुए पापड़ बनाने की। अभी धूप नहीं निकली है ना? क्यों निकली है? वैसी नहीं है तो कल तो हम लोग धूप में बहुत ज्यादा झुलस गए। आज नहीं झुलसना है तो इसीलिए पापड़ बनेगा, उससे पहले खाए करेंगे ना। और बस यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा मेरे जो पार्सल आते हैं उसी के सारे जो है ना कर्टन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हर वीक में एक बार ना बहुत इकट्ठे होते हैं, तो काफ़ी सारे इकट्ठा जो है ना ये फिर फेंक के आते हैं। और यहाँ पे बना रही थी, आप गैस कर सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा, और आज काफ़ी दिन बाद पोहा बनाया मैंने। और मूंगफली के दाने कुछ दिन पहले मैंने ना खूब सारे सेक के रख लिए थे। पोहा वगैरह मैं ऐड करती हूँ, जैसे पास्ता तो काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाए, तो उसमें भी ऐड कर लेती हूँ मैं। और मूंगफली के दाने फ्राई करके रखो तो रहता है कि आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप मूँगफली ऐड करते हैं। यहाँ गरम गरम पोहा सबसे पहले दे रही हूँ मैं अयान को, क्योंकि अयान बहुत देर में खाता है। और आज सिया गई है स्कूल, आज लास्ट पेपर है सिया का। और यहाँ हम लोग खाए थे, नमकीन वगैरह ऐड किया मैंने, टमाटर वगैरह, और बस हम लोग जो है पोहा इंजॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग में सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होता है पोहा उपमा वगैरह बना ले, बट मेरे यहाँ उपमा किसी को पसंद नहीं आता है, पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, सबको। और यहाँ पे सुबह ही आलू उबाल लिए थे मैंने, उस समय ठंडे नहीं थे तो इसलिए कुकर नहीं खोला मैंने, और बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो ये आलू जो है सारे पापड़ों के लिए छील के रख ले रही हूँ मैं। ताकि बच्चे जो है मैं मतलब पापड़ जो है तैयार कर सकूँ। यहाँ मैंने जीरा थोड़ा सा भूंजा था। अच्छा, ऐसे जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगा भूंज के ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कच्चा कच्चा सा लगे पापड़ तलने के बाद, तो मैंने भूंज के ऐड कर लिया है। और आलू को सारे आलूओं को अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये वाली लाल मिर्ची लाए थे, ये पिसी हुई है प्योर लाल मिर्च, तो इसको ऐड किया। हरी मिर्ची नहीं ऐड किया, नहीं तो वैसी कट करनी थी, बट इतनी पतली हरी मिर्च आ रही। और हाँ, मैं सारी चीज़ मैंने मिक्स कर दिया था, एंड मेरे राइट वाले हैंड में ना प्रॉब्लम है, तो इतनी चीज़ें मिक्स नहीं कर हो पाता है मुझसे, मतलब कोई चीज़ ना मिक्स करने पे मुझसे हो नहीं पा रहा राइट वाले हैंड में, जब से मोच आई है तो स्वेलिंग तो जा नहीं रही है, बट हाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ, आई होप कि जल्दी सही हो जाए। और यहाँ ये वाला कंटेनर बड़ा सा मैं इसको क्लीन कर रही थी, ताकि इसमें मैं जो है जो पहले के पापड़ बने ना उसको मैं अच्छे से इसमें फील कर सकूं। और यहाँ छत पे आ गई थी मैं, ये जो मैशर है ना लकड़ी का, ये लेकर इसे बनाने के लिए, बट ये छोटा पड़ रहा था एंड पापड़ ना पूरे अच्छे से साइज़ से नहीं बन पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये काम करो, तुम लो ही बनाती जा फटाफट, हम इस तरह से जो चक्का है ना बहुत अच्छे से उससे बन रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि लाओ मैं बना देती, फिर कह लेंगे नहीं तुम इतनी देर इस तरह से बैठ नहीं पाओगी, मना कर दिया था इन्होंने। तो फिर मैं फटाफट से जो है ना लोई बनाती गई, और आप मानोगे नहीं बहुत जल्दी, मतलब 20 मिनट्स में सारे पापड़ जो है ना बन गए थे, बहुत जल्दी बने पापड़। और यहाँ मेरा यानू जो है ना पूरा उसने ही शूट किया है जितना भी था। और यहाँ देखिए इतने सारे पापड़ जो है वो पूरे जो है बन के रेडी हो गए हैं। तो सारा काम हो गया है और जा रही हूँ मैं खाना बनाने, मतलब पापड़ सब बन गए थे और अब पूजा वूजा करके नीचे आई हूँ मैं, तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो तो इन्होंने सारा हेल्प किया और मैं लोई बनाती गई, क्योंकि इस तरह से बैठना देर तक नहीं हो पा रहा था जिस तरह से बैठ के इन्होंने सारे जो है बनाए हैं। तो ये वाली कुर्ती पहनी है मैंने, और ये मेरी ना बहुत फेवरेट कुर्ती है बहुत ज़्यादा, और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी है। सो आज बनाऊंगी आलू एंड कुमरौरी की सब्ज़ी। और आज 3 दिन कुकर धुलने के लिए थे, तो ये देखिए भी सारे बर्तन भी सेट करने हैं, और किचन में थोड़ा बहुत क्लीनिंग होती जा रही है।
सो देखते हैं। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे बस कुम्हरौड़ी और आलू की सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ। मसाला वगैरह अच्छे से, प्याज वगैरह पक गया था, फिर मैंने मसाला और टमाटर हल्का सा चॉपिंग किया था, ऐड कर दिया था, और आलू और कुम्हरौड़ी जो है ना अच्छे से फ्राई कर दिया। और यहाँ मैंने प्याज अपना जो वेजिटेबल्स ऑयल होता है ऑलिव ऑयल उसमें ऐड किया था, टमाटर सॉरी पनीर वगैरह ऐड किया, कुछ सब्जियाँ चॉपिंग कर लिया था मैंने। और इस तरह से ना इतना यमी लग रहा था क्योंकि इसमें मैंने कॉलीफ्लावर ऐड किया था, तो वो जब चॉपिंग करके इसमें फ्राई किया ना इतना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट उसका आ रहा था। तो आज मेरा जो दिन का लंच है वो ये है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था वो, ये क्यूकम्बर मैं ऐड किया था एंड ऊपर से थोड़ा सा इसमें मसाला। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं सोकर उठी हूँ, आज मैं जिम भी नहीं गई, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, प्लस पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए आज मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा छोड़ती हूँ आज जिम, तो जा रही हूँ पापा देखने के लिए कि पापड़ों का हाल क्या है। और कल मॉर्निंग से जाऊँगी जिम। तो बर्थडे बॉय का जो है पार्टी अधूरी थी, बार बार टॉर्च चला था, तो पार्टी अधूरी थी। तो ये हुआ कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी मंडे को, लास्ट पेपर था आज अयान आयु और सिया का, अयान को तो सैटरडे को ही ख़त्म हो गया था पेपर। तो ये हुआ कि मंडे को डिनर करने चलेंगे, इनका पेंडिंग था डिनर बर्थडे वाला, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। और बर्थडे बॉय बर्थडे तो चला गया, पर जो चीज़ पेंडिंग थी तो उसको ये हुआ कि चलो डिनर कर लेंगे, और इसी बहाने थोड़ा सा घूम भी आएंगे। तो घर से थोड़ा सा हाँ दूर है, मजे का दूर है रेस्टोरेंट, जो मतलब ये है कि आप बाइक से जा सकते हो, तो इसीलिए बाइक से हम लोग जाएंगे। और वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, फिलहाल वो कई एरिया में बना है, मतलब उसमें ना ऊपर नीचे कई जगह है, वहाँ पे जगह है, टेबल्स वगैरह लगे, अलग अलग वहाँ पे लोकेशन है डिनर की। आके देखो, हे भगवान, मतलब इतनी कॉमेडी कॉमेडी लोग रील्स डालते हैं ना, क्या कहूँ। और हाँ, मैंने ये वाली साड़ी पिंक ग्रे और ब्लू में आता है, ये बिल्कुल लाइट पिंक में है, एंड ये मैंने बहुत साल, मतलब 2016 की साड़ी है ये वाली, बहुत पुरानी है ये वाली साड़ी मेरी। तो आज मेरा ऐसी मन हुआ क्योंकि ब्लाउज़ इसका बहुत सुंदर सा आया था ना, तो पहले बिल्कुल भी नहीं होता था बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलो ये वाली पहन लेती हूँ, वैसे भी साड़ियाँ रखी रह जाती है, और ये ना कहीं से भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल वैसी की वैसी है साड़ी। और ये वाले इयररिंग्स पहन लिया मैंने अपनी झुमका, तो पहले घर के पहने थे तो वो सूना सूना लग रहा था, मैंने कहा साड़ी में थोड़े से हैवी अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं डिनर में, सिस्टर वगैरह अभी आने वाली है रेडी होकर, फिर मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं, और ये देखिए आज हम लोग साड़ी में, दोनों सिस्टर साड़ी में। Thank you.
और यहाँ सिस्टर और मैंने हम लोगों ने पिया था, सूप मंगाया था सबसे पहले, ऑर्डर किया था, किसी ने नहीं पिकाया था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, आई थिंक ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा ऐड किया था, तो बहुत ज़्यादा तीखा वैसे मैं नहीं खाती हूँ। एंड इन लोगों ने रोटी वगैरह, सब्जी, दाल, यहाँ की सब्जी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सबकी फेवरेट है, बहुत फेमस है। बट हम लोगों ने तो डिनर नहीं किया था, और हम लोगों ने कुछ अलग मंगाया था, आप लोगों से अभी शेयर करूँगी मैं। और यहाँ किट्टू की फुल मस्ती भी हो रही है। और ये मंगाया था हम लोगों ने पनीर उत्पम उत्तम, और ये इतना यमी था, मतलब ना ये रवा और पनीर मिक्स करके जो है ना चीला बना था, एंड ये इतना बड़ा और काफ़ी मोटा था, तो इतना पेट भर गया था, हम लोग खा नहीं पा रहे थे। और हाँ, टेस्ट की बात करूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा यमी था और बिल्कुल हेल्दी था। ये डिनर में या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों, मैंने डाइट कोक लिया, सिस्टर ने लिया, इन लोगों ने अपने लिए चॉकलेट सबने, और एक एक कोक लिया, और हम लोग आ गए हैं मेरे घर। तो ये डाइट कोक मन था, ऐसे काफी अच्छा खाना था। हम लोगों ने रोटी सब्जी तो नहीं खाई है, बट सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आज का पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड नाइट।